प्राथमिक माध्यमिक स्कूल मोरावन में भवनों के जर्जर हालात, कैसे पड़े बच्चे, जिम्मेदारों को क्या नहीं दिखता जर्जर भवन। खबर कराहल के सेसेपुरा संकुल केंद्र के अंतर्गत आने वाले मोरावन ग्राम के विद्यालय की है। यहाँ बात की जाए तो प्राथमिक माध्यमिक स्कूल की बिल्डिंग की, तो आप भवन की हालत देख कर सन्न रह जाएंगे। आपको बता दें कि मोरावन की जिन प्राथमिक विद्यालय में 163 और माध्यमिक विद्यालय में 165 बच्चों की संख्या है, उन बिल्डिंगों की कक्षाएं बरसात में जलमग्न हो जाती है। स्कूल प्रबंधन द्वारा कई बार समस्या से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत भी करा दिया गया, मगर आज तक किसी अधिकारी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। जिन डीपीसी महोदय को बिल्डिंगों की देखरेख और मेंटेनेंस के अधिकार है, उन्हें मोरावन की ये दोनों बिल्डिंगें नहीं दिख रही है। विद्यालय में मौजूद शिक्षक बच्चों को जस्ते से अन्य जगह बैठा कर क्लास लगवा रहे हैं, मगर बिल्डिंग के अभाव में सारी व्यवस्था फेल बनी हुई है। कैसे इन बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सकेगी? तस्वीरों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि प्राथमिक विद्यालयों की बिल्डिंगों की छतों के सरिये बाहर निकल रहे हैं और अभी बारिश के मौसम में छतों से पानी टपक रहा है। शिक्षकों को यह डर लगा रहता है कि यदि ऐसे में इन बच्चों की कक्षाएं लगाई गई तो कहीं कोई बड़ी दुर्घटना ना हो जाए। देखिए कराहल संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। दोनों रूम डैमेज है ना, इसमें पूरा रूम टपकता है। ये तो फिर यहाँ क्लास तो यहाँ कक्षा तो लगती नहीं होंगी सर? फिर कक्षा तो सब नहीं लगती। अच्छा, वही आपने सारे बच्चों को वही बैठा रखा है? हाँ, बिल्कुल।